सिटी पटियाला में कांग्रेस के बैनर्स के ऊपर ईटीटी टेस्ट पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन के लिखे गए नारे, यूनियन मेंबर्स को देना पड़ा स्पष्टीकरण। ईटीटी बेरोजगार अध्यापक पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर पटियाला में संघर्ष करते आ रहे हैं। इसी बीच उनका एक साथी पिछले 125 दिनों से 260 फीट के ऊंचे टावर पर लगातार बैठा हुआ है, जिसका स्पष्टीकरण देते हुए यूनियन के जनरल सेक्रेटरी संदीप शर्मा ने बताया कि पंजाब भर में 15,000 से ऊपर ईटीटी बेरोजगार अध्यापक मौजूद हैं, जो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि किस साथी ने यह कार्य किया है, लेकिन हम इसकी निंदा करते हैं क्योंकि हम अपना संघर्ष लोकतांत्रिक ढंग से करते आ रहे हैं। हमारी यूनियन कानून का उल्लंघन कभी नहीं करेगी। पटियाला से केशव कुमार की रिपोर्ट, लाइव भारत। कल जड़ा मीटिंग मिली है 27 तरीक दी, वो मीटिंग में हुंदी है, उदो बाद जड़ा सिट्टा है निकलना, उदो बाद जड़ा पता लगूगा भी निष्कर्ष जड़ा उदा की है। देखो साथी सुरेंद्रपाल 122-125 दिनों तो टावर के उपर बैठा हुआ है, भावनात्मक तौर पर उहदे नाल जुड़ के जे किसी साथी ने जे गलत स्टैप चक्या तो वह बिल्कुल निंदनयोग है। असी ये फेवर च नहीं, जथेबंदी वालों कोई भी इदा की ना तो स्टेटमेंट सी और ना ही इदा का कोई प्रोग्राम जिहड़ा दिता गया सी। जे कोई असी गुप्त एक्शन भी करना होवे तो वह असी इस तरह का एक्शन करते हैं जिहड़ा कि कानूनी प्रक्रिया तो दे विच होवे ते उस तो जिहड़ा उल्ट जिहड़ा ना जावे, क्योंकि जिहड़ा लोकतंत्र दे विच राइट है सब नू संघर्ष करना, जो भी अपना हक है मंगना नारे मुजारे करके, लेकिन इदा तरह इस तरह फ्लैक्सां दे उपर लिखना लिख के सवेरे मीडिया राही सानू मीडिया का साथी मिलिया तो सानू पता लगे कि फ्लैक्सां दे उपर इदा लिखा गया, जो भी साथी ने भावुक होके लिखिया वो गलत है, क्योंकि पूरे पंजाब दे विच 14-15 हज़ार तो साथी जिहड़ा अबव है ETT टेट पास, जथेबंदी नाल जिन्हें साथी जुड़े हुए ने असी उन्होंने तो रिस्पोंसिबिलिटी लै सकते हैं, पर जे कोई आके उदा का भावुक हो के कोई करता है हरकत करता तो वो जी जथेबंदी है जिम्मेवार नहीं, क्योंकि जथेबंदी की स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं सी कि इस तरह का कुछ भी किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब साढ़े माणयोग है, उन्होंने असी वोटा पा के सत्ता दे विच लै के आए हैं और उन्होंने तो असी लोकतंत्र राही जड़ा धरना मुजहरा करके अपना हक जड़ा मंग रहे हैं।